जी बेटा, लेट अस अगेन कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसमें हम मीडियन करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 का हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं करा चुकी थी आपको मीडियन कैलकुलेट करना। अगर आपको याद हो, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच, हमने जो कल ये स्टडी किया था, ओके, मीडियन का फॉर्मूला। तो उसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 14.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मीडियन कैलकुलेट करने को मुझे कहा गया है इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो लेट अस रिकॉल फर्स्ट मीडियन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ओके। एक्सरसाइज 11.14.3, सॉरी, हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ मीडियन का कॉन्सेप्ट रिकॉल करूंगी, मीन मॉड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, मंथली कंजम्पशन मुझे दी हुई है, मंथली कंजम्पशन इज गिवन टू मी, और बेटा इसमें दिया हुआ है 65 to 85, 85 to 105, और 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, एंड 185 to 205। ओके बेटा जी, ये मुझे दिया हुआ है, और मेरे पास जो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू मी इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज गिवन हियर, मेरे पास जो है 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4, दैट इज गिवन टू मी, एंड दे नीड टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हमें एन चाहिए होता है, दैट इज टोटल नंबर जो है। तो ये इन्होंने वैसे तो ऊपर दिया होता है कि कितनी फैमिलीज है, ये कुछ है 68 कंज्यूमर्स आर देयर। अगर आप ऐड करोगे ना तो बेटा ये 68 ही बनेगा, दैट इज गिवन टू अस, कल भी हमने किया था। तो 68 को 2 से डिवाइड करें, पहला स्टेप होता है एन बाय टू, फर्स्ट स्टेप तो मैंने किया, तो ये 34, ओके जी। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, और सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, हमारा पहला स्टेप है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज इसमें इसको ऐड किया, 9, 9 में हमने 13 ऐड किया, तो बेटा 22, और 22 में ये ऐड किया तो 42, 42 में 14 ऐड किया तो मेरे पास जो है 56, 8 ऐड किया 64, 68, ये देखिए सेम सेम आ गया, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते होते हैं 34 किन दो वैल्यूज के बीच में सी एफ पे लाइक कर रहा है, उससे बड़ी वाली ये 42, दैट मींस ये मेरे पास मीडियन क्लास होगी, ओके जी। सी एफ मेरे पास इससे पिछली हो गई, फ्रीक्वेंसी मेरे पास होगी, सब कुछ यहां लिखो, एल मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ओके बेटा। तो अब मैंने यहां सब कुछ लिख दिया, एल मेरे पास 125 है, ओके, एफ मेरे पास 20 है, सी एफ मेरे पास 22 है, और एच रह गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, एच मेरे पास विड्थ होती है, तो 145 माइनस 125 दैट इज 20। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है मीडियन का फॉर्मूला हमने कल भी किया था, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ ओवर मेरे पास एफ इंटू एच, बेटा ओके। तो पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर रिजल्ट, सारी वैल्यूज हमारे पास है, एल मेरे पास 125 है, आई एम पुटिंग 125 हियर, ठीक है, प्लस एन बाय टू 34 माइनस सी एफ जो है 22 बाय बेटा एफ दैट इज 20, और एच कितना निकला था 20, ये और ये माइनस हो गया, ओ कैंसिल हो गया, और उसके बाद माइनस कीजिए और ऐड कीजिए, यू विल गेट द मीडियन।
जो आंसर होता है ना मीडियन का, हमेशा याद रखना इन वैल्यूज के बीच बीच में ही होता है, जो हमने मीडियन क्लास जो है सिलेक्ट की, इसी के बीच में से वैल्यू आती है कोई। ये बात सबको समझ आ गई। ये था जिसमें डाटा बिल्कुल सिंपल था, मैंने मीडियन कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टू देखते हैं, व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर टू। उसमें मुझे मीडियन गिवन है, दे गिवन मी दिस इज मीडियन, और मुझे कुछ फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा इन क्वेश्चन नंबर टू। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है। दे राइट मीडियन ऑफ द जो है डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। ये बहुत बार 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके, दे राइट हियर मीडियन जो है दैट इज 28. मीडियन दैट इज गिवन टू मी 28.5 बेटा। ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मुझे एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। अब बेटा एक्स और वाई कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो है व्हाट इज रिटन हियर, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन टू मी। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ओके, 50 to 60, ओके, 60. अब बेटा यहां पर मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 5, और x दी हुई है 9. What is written here? That is 20, then 15. Now, beta, y is given to me and 5. These are the values that are given to me. Okay? अब उन्होंने कहा है कि x और y निकालो। अब आप खुद सोचिए। Method वही है, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा चलना है। उल्टा क्या चलना है? Median 28.5 है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जो मीडियन की वैल्यू होती है ना बेटा, जो मीडियन की वैल्यू होती है वो मीडियन क्लास के बीच में लाई करती है। ओके, अब वो मीडियन क्लास के बीच में लाई करती है तो व्हाट डज इट मीन मेरे पास जो है कि 28.5 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज माई मीडियन क्लास। ओके, दिस इज माई मीडियन क्लास। ओके बेटा, तो अब बेटा दैट मीन्स बिल्कुल वैसा ही, पहले हम सी एफ देखें, कैलकुलेट करें, बिल्कुल वैसा ही चलना है। पहला 5 प्लस एक्स, फिर ये ऐड किया 25 प्लस एक्स, अब ये ऐड किया 40 प्लस एक्स, ये ऐड किया तो बेटा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ये ऐड किया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये सी एफ हो गए। अब क्लियर कट है मेरे पास जो है, क्योंकि यहां पर मेरे पास जो है टोटल दिया हुआ फ्रीक्वेंसीज का दैट इज 60। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बोला था, सी एफ और ये वैल्यू, लास्ट सी एफ और टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल। ओके बेटा, पहला हो गया ना, पहला एक रिलेशन आ गया x y में, क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स निकालने हैं तो कम से कम आई नीड टू वेरिएबल, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक इक्वेशन आ गई, मुझे अब सेकंड निकालना। अब सेकंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहां पर मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, बट लगाने से चलो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं। एल प्लस जो है एन बाय टू माइनस सी एफ जो है मेरे पास बाय एफ इन टू एच। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बनी। सबसे पहले एल चाहिए, एल मेरे पास 20 है ना मेरे पास। ओके, L पता चल गया, मैंने 20 फिल कर दिया, प्लस n बाय 2। अच्छा, मीडियन की वैल्यू भी तो दी हुई है, वो भी लिख देते हैं, 28.5 मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट n बाय 2,
यानी एन बाई टू दैट इज 60/2 30। ओके तो यहाँ 30 मतलब यहाँ हम मीडियन से क्लास इंटरवल सिलेक्ट करते हैं, हम एन बाई टू से करने की जरूरत नहीं। आप वहां से भी कर लोगे तो पता चल जाता है, यही आता है, क्योंकि खुद सोचो 25 में कुछ ऐड होना है तो 30 नियर, क्योंकि अगला तो 40 प्लस एक्स है तो वो इसी में ऐड होगा, इसी तो वो कंफ्यूजन रहती है। बेटर है हम मीडियन से ही क्लास इंटरवल से, ठीक है जी। अब एन आ गया माइनस सी एफ पिछले वाले लेते हैं। अब यहां बच्चे गलती करते हैं, यहां माइनस है 5 प्लस एक्स मेरे पास तो, ओके मेरे पास क्या आ गया 5 प्लस एक्स, ठीक है जी, ओवर जो है एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है यही वाले लेनी है ना, सेम मीडियन क्लास की, बाय 20 इंटू एच मेरे पास हो, दैट इज द विड्थ, वो कितनी है 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके जी। तो अब ये कितना हो गया मेरे पास, होंगे 28.5 20 प्लस ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स, यहां बच्चे वो गड़बड़ी करते हैं, ठीक है ये जीरो से ये जीरो कट गया बाय 2, ये माइनस करते हैं तो ये 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाय 2, ओके जी। अब 2 को उधर ले जाते हैं तो ये कितना हो गया 17, आई विल राइट हियर, ओके जी। तो मेरे पास ये कितना हो गया, दैट इज 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो मेरे पास एक्स कितना आ गया 25 माइनस 17 और माइनस करेंगे तो मेरे पास जो है 8, ओके एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अब एक्स 8 आ गया तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है, एक्स प्लस वाई कितना है 50, तो दैट मींस अब आप लिखोगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और वाई की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, बस वन बच्चा, ओनली वन बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर, बस बाकी सोए हुए हैं, आई थिंक सो, बाकी सब दे आर स्लीपिंग इन अ स्लीपिंग मोड, सच्ची में गुड, दिस इज द स्पिरिट, वेरी गुड। बट फिर भी कम है, 37 में से 12 और 13 स्टूडेंट्स आर सेइंग यस मैम इट इज क्लियर, बाकी कम से कम 90% स्टूडेंट एक्टिव होने चाहिए, ठीक है वैसे तो 100 होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता, ओके। अभी तक हमने जो किया, पहला क्वेश्चन किया जिसमें डायरेक्ट मीडियन निकाला, दूसरा क्वेश्चन किया जिसमें मीडियन दिया था और हमने एक्स और वाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अब डाटा ना हमें डायरेक्ट नहीं दिया होगा, ओके डायरेक्ट डाटा नहीं दिया होगा, अब डाटा पता कौन सा दिया होगा, लेस देन और मोर देन, ठीक है ये हम ना आगे वैसे आगे बनाने के लिए हेल्प करता था, बट कई बार डाटा आपको डायरेक्टली ना दिया हो और आपको मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालने को कह सकते हैं, तो हमें वो डाटा को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ओके तो लेट अस सी कि मेरे पास जो है थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसने, लेट अस सी, द अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एजेस 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 16 ईयर, निकालनी हमने मीडियन ईयर, That is clearly mentioned here. ठीक है तो अब देखते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पर क्या हुआ, इन द क्वेश्चन थर्ड मेरे पास जो है दे स्पेसिफाई, अब देखते हैं ये डाटा कैसे दिया, ओके एजिस जो है इन ईयर्स, ओके बेटा बिलो 20 मेरे पास, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 45, बिलो मेरे पास जो है 50, बिलो 55, बिलो 60, ठीक है और फ्रीक्वेंसी
मेरे पास दी हुई है नंबर ऑफ जो है पॉलिसीज दैट इज गिवन टू यू. अब ये ना देखते हैं ये कैसी फ्रीक्वेंसी दी है. लेट अस सी. अभी मैंने नंबर ऑफ पॉलिसीज ही लिख दी, देखो जरा, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या दिया हुआ है मुझे, की फ्रीक्वेंसी दी है, क्या दिया हुआ है. लेट अस सी. पहले हम ये सारा देखी जी, बिलो जो है लेट अस सी, बिलो 20 देन 6 देन 24, देखिए 35 मैंने मिस ही कर दिया यहाँ पर, तभी मेरा डाटा 35 40 45 50 55 देन 60. ओके नाउ 40 के कॉरेस्पॉन्डिंग 78, 45 के कॉरेस्पॉन्डिंग 89, 92, 98 एंड 100. ओके अब देखिए, अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है 20 से कम वाली एज में लोग सिर्फ टू पॉलिसीज लेते हैं. लेट अस सी, ये मैंने 20 बनाया, ये 25, ये 30, ये 35. अब जरा देखिए ध्यान से, 20 से कम, कम मतलब इधर होता है ना, इधर ही होगा, सिर्फ टू पर्संस आर देयर हु आर टेकिंग पॉलिसीज. उसके बाद 25 से कम, बेटा अगर ये 25 से कम ले रहा है मतलब इसमें वो 20 से कम वाले को भी काउंट कर रहा है, तो वो कितना हो गया, वो 6 हो गया बेटा, है ना 6. अब उसके बाद उसने कहा 30 से कम, यानी 30 से कम में वो कह रहा है 24, मतलब इसमें 20 से कम वाला भी है, 25 से कम वाला भी, यानी मुझे ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दी, मुझे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया. मैंने फ्रीक्वेंसी खुद निकालनी है, मैंने क्लास इंटरवल खुद बनाना है यहाँ पर. ओके बात समझ आई. अब इन सब में 5 5 5 5 5 का डिफरेंस है, तो मैं नो डाउट 18 से अबव वालों को पॉलिसी मिलनी है, तो मैं खुद ही यहाँ पर जो इंटरवल बनाऊंगी ना, देखिए मैं क्योंकि 5 5 का है तो 15, 16, 17 ईयर वाले को मिलनी नहीं है, बट फॉर आवर सेक वी विल राइट लाइक 15 to 20. ओके अगला मेरे पास जो है यहाँ पर 20 to 25, देखिए क्लास इंटरवल खुद बनाने. ओके फिर बेटा 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60. ये मैंने क्लास इंटरवल बना लिए अपने लिए, सी आई क्लास इंटरवल. अब जरा इसको मैंने फ्रीक्वेंसी बनानी है इसकी कॉरेस्पॉन्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो बेटा मैं आगे सारा फॉर्मूला वही मीडियन का निकालूंगी जो मैंने लगाया होता है. ओके ध्यान से देखना मेरे पास हो गए. अब मैंने फ्रीक्वेंसी आई हैव टू राइट है. क्यों मैं कन्वर्ट करना बता रही हूँ, क्योंकि मान लो आपको ऐसे डाटा दिया जाता और आपको मीन निकालने को कह देते, तो पहले इस डाटा को सिंपल डाटा में आपने कन्वर्ट करना है, लेस देन डाटा को सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला एज इट इज. अब अगर मैंने 20 to 25 लेना है, मतलब इन दोनों के बीच में, तो दिस माइनस दिस करूंगी ना, तो 6 minus 2 4, अगला 24 minus 6 18, अब अगला 45 माइनस जो गे मेरे चेक कर लेना कि सही किया ना, ठीक है ना. अब 45 minus 24 पीछे पीछे वाला माइनस कर दे, जब आपने किया तो 1 और 21, ठीक है. फिर 78 minus 45 मेरे पास हो गए. यस चाहत, यस बेटा, यस चाहत मैम, मैं अपने माइनस के लिए समझ में आया, मैं आपको बताती हूँ. चाहत ये देखो, ये जो उसने नंबर बताया ना, देखो उसने, मैं आपको नंबर लाइन में बता रही, मैंने पहले भी बताया, ये मान लो 20 से कम वाले, ये 25, ये 35, ये 35, ये 40. वो कहता है बिलो 20 एज वाले दो पॉलिसीज लेते हैं, ये सारे 20 से कम वाले दो पॉलिसीज. अब जब मैंने कहा 25 से कम वाले,
तो उन्होंने कहा 6 पॉलिसी। खुद चाहत मुझे बताओ, अगर मैंने सिर्फ 20 से 25 वाले निकालने तो मैं क्या करूं? 25 से कम वाले में से 20 से कम वाले एज वाले बंदों को क्या कर दूं? माइनस कर दूं ना। तो मैं, क्योंकि मुझे 20 to 25 वाले बताने, तो मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया और आई विल गेट दिस। पता चला चाहत मैंने क्यों किया ऐसे? ओके, बाकी सबको क्लियर हुआ बेटा? व्हाई आई डू दिस स्टेप? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, मुझे अगर 20 to 25 निकालना है, 25 to 30 निकालना है, तो उससे पीछे वाला माइनस करते जाओ बस। ओके, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने माइनस करना है तो 3, और मेरे पास जो है अगेन 3, फिर 89 to 78 11 है ना, फिर 92 to 89, ठीक है बेटा, 3। ओके जी, फिर 98 to 92 6, और उसके बाद मेरे पास 100 to 98 दैट इज 2। अब हमने कोई गलती तो नहीं की, उसको चेक कैसे करना? ये सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, वो 100 के इक्वल आ। ओके, ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, ये समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया। ओके, अब मैं टोटल करूं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, और जो है 6 22 22, और 8 30 30 किया तो 0, 3 कैरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 आ गए, तो बिल्कुल करेक्ट। अब भूल जाओ ये पुराना डाटा, कुछ भी, फॉरगेट इट। अब मेरे पास CF है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी, मेरे पास क्लास इंटरवल है, मेरे पास है, तो मैं सिर्फ CF निकालू, ये तो मुझे पता है यही आएगा, कोई वो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 100% यही बनेगा, 2 6 24 45 78 89 92 98, और ये 100। जो लेस देन वाला डाटा होता है ना, उसमें CF जो दिया होता है वो एज इट इज वही होता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, n बाय 2 कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास n बाय 2, 100 बाय 2 That is 50, मेरे पास। अब 50 कहां पर लाई करता है? इनमें देखो, यहां पर है ना, तो ये मेरे पास मीडियन क्लास हो। ओके, इससे पिछला CF, ये वाला F, बस यही चाहिए होती है चीज, तो फॉर्मूला लगा, मीडियन इज इक्वल टू L, 35 प्लस n by 2 माइनस CF जो है ओवर F, मेरे पास जो है वो कितना है, 33 into डिफरेंस कितना है, 5 का। ओके जी, सबको बात समझ आ गई कैसे मैंने डाटा को पहले सिंप्लीफाई किया और वहां से कर ली। एनी डाउट टू एनी वन? अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपको सिंपल डाटा दिया 2 मार्क्स में, वो कह दें कि लेस देन जो है टेबल में कन्वर्ट करो, तो इधर से इधर जाना। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, जब भी लेस देन बनाना होता है ना, यहां वैल्यू पता कौन सी लेनी, जो अपर लिमिट होती है, देखो देखो यही है ना, बिलो 20 सबकी अपर लिमिट ली है, चेक इट। बस आपने क्या करना है, आपको ये दिया है इधर जाना है, तो आपने लिखना है लेस देन या बिलो, कुछ भी लिख दो, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, सब लिखते जाना है, और यहाँ पर CF बना देना, बस अपने आप कन्वर्ट हो गए। मेरी बात समझ आई सबको बेटा, हमने कैसे किया, क्लियर? मैंने मीडियन भी निकाल दिया और मैंने आपको कन्वर्जन भी बता, ठीक है ने? क्लियर? Let us do the next question, जो है question number 4th, ठीक है बेटा? अब मैंने आपको starting में भी बताया था, मैंने आपको अब फिर बता रही हूँ बेटा, I'm again telling, जब भी median या mod निकालना है ना,
तो डाटा हमारा हमेशा जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाओ 0.5 ऐड करके 0.5 जो है सब्ट्रैक्ट करके, ओके। जैसे अगले एग्जांपल में देखते हैं, लेट अस सी कि अगले एग्जांपल में क्या है, ठीक है। मतलब हमें कॉन्टिन्यूस क्लासेस होनी चाहिए 0 to 10, 10 to 20, नहीं है तो बनाइए, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं फिर बता रही हूँ। क्वेश्चन फोर्थ बेटा, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो मेरे पास दिया हुआ है लेंथ जो है, और यहाँ पर दिया हुआ है इन mm, ओके, और नंबर ऑफ मेरे पास जो है लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स 118 to 126, 127 to 135 मेरे पास हो गए, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, or 163 to 171, 172 to 180, okay। और मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, देखिए बेटा यहाँ पर दैट इज गिवन, नंबर ऑफ लीव्स 4 मेरे पास होंगे, 5, 9, देन 12, 5, 4, 2। तो अब बेटा सबसे पहले मैं डायरेक्ट मीडियन नहीं निकाल सकती बिकॉज डाटा कॉन्टिन्यूस क्लासेस नहीं है मेरे पास, तो मुझे पहला स्टेप करना पड़ेगा, इसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे क्लास इंटरवल्स दोबारा लिखनी पड़ेंगी। लेट अस राइट द क्लास इंटरवल्स। अब कैसे निकालते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, अपर लिमिट ऑफ द वन एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट का डिफरेंस देखो, वन है उसका हाफ, ठीक है, वन का हाफ 0.5, यानी 0.5 जो है आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो और अपर लिमिट में ऐड करते जाओ, बस अपर लिमिट में ऐड करते जाओ और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आपकी अपने आप कॉन्टिन्यूस जो है वो डाटा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके बेटा। अपर लिमिट में ऐड करो, ये लीजिए, ओके, 153.5 और 162.5, ओके, फिर 162.5 टू 171.5, 171.5 टू 180.5, ठीक है, क्लियर। अब क्लास इंटरवल्स कंटिन्यू हो गए ना, अब फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, पहले लिख लीजिए उसको दोबारा करेक्टली, फिर डाटा जो है हमें पता चल जाता है, ठीक है जी। 4, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब सीएफ आगे तो वही काम है, सीएफ क्या होगा, पहला 4, देन 9, 18 और ये 30, 35, 39 और ये 41, चेक कर लेना 41, 40 का दिया हमने, कोई गलती कर ली होगी, लेट अस सी, कोई मैंने डाटा तो नहीं गलत उतारा ना, 4, 9, 18 और ये 30, 35, 39, मुझे लगता है कोई वैल्यू गलत उतार दी हमने, पहली 3 है बेटा, 4 नहीं है, फर्स्ट वन इज 3, देखो यहीं से पता चल गया, तो अपने आप एक एक कम होता जाएगा, 8, 17, 29, 34 और ये 35, 38 हो गया और ये 40, ओके। अब तो बिल्कुल सही नहीं हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही n by 2 कीजिए और वहां से की। आज मैंने सिर्फ आपको n by 2 जो है करके मतलब लेस देन को कन्वर्ट किया वो बताया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर बेटा करेंगे मोर देन को भी कन्वर्ट करना, हम करेंगे टुमारो, ठीक है। मोर देन अगर आपको दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है, बस ये लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी डिलीटेड है,
14.4 इज डिलीटेड. ओके, हम मोर देन वाले को भी अब आपको मतलब डाटा देंगे और उसको सिंपल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है. आपका जो होमवर्क है बेटा मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6th and 7th. ओके, 6th and 7th सिंपल है, आप ट्राई करना. मैं आपको मोर देन करवा के कल कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हम रखेंगे अपने पास, ठीक है बेटा, सो दैट वी कैन डू इट. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा.